हमें पता लग पाता है कि कौन सी चीज हमें लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। कंपैरिजन वीडियो से ही हमें टेक्निक माइन हार्वेस्टर, तो उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सही कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की, तो शिव भी है, तो शिव दोनों में ही कम है ऊपर नीचे ट्रैक्टर माउंटेड में। अब बात कर लेते हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आया ट्रैक्टर माउंटेड का 80 mm का है, तो स्ट्रोक भी ज्यादा है ट्रैक्टर माउंटेड का। रील के जो चक्कर है वो छप बढ़ाएगी, तो देखो लंबाई जो है पनेसर G60 की लंबाई जो है वो 20 फीट के करीब में है, जबकि ट्रैक्टर वो क्या है ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर, उसे आप ट्रैक्टर भी बना सकते हो प्लस कंबाइन हार्वेस्टर भी बना सकते हो। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर रामपुरी, तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो दो ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर का कंपैरिजन वीडियो आज इसमें बनाने वाले हैं हम। तो देखिए कंपैरिजन वीडियो आपने मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे देखे होंगे, तो मैं तरह तरह की चीजों के कंपेयर करता रहता हूं, जिससे कि क्या होता है कि सही से हमें पता लग पाता है कि कौन सी चीज हमें लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। कंपैरिजन वीडियो से ही हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ही पता लगता है कि कौन सी चीज अच्छी होने वाली है और कौन सी बुरी होने वाली है। तो एक कंपैरिजन वीडियो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो ये कंपैरिजन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ भाई के कमेंट भी आ रहे थे कि कंपैरिजन वीडियो बनाइए, कि कंपैरिजन वीडियो किस किस का हो, जैसे कि एक मिनी कंबाइन हार्वेस्टर और एक जो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर होती है, इन दोनों का कंपेयर वीडियो करिए कि हमें क्या ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए या मिनी कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए, तो कौन बेस्ट हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए मेरे चैनल पर देखा होगा आपने, मैं बहुत ही टेक्निकली जो ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता हूं कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड और ट्रैक्टर से रिलेटेड। तो ये इस तरह की वीडियोस से क्या होता है कि हमें बहुत चीजों की बारीकियां पता लगती हैं, सभी मोस्टली इन चीजों को यूज करते हैं सभी लोग, तो ये इनकी नॉलेज थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज इसकी होनी चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिल रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं अपने चैनल पर टेक्निकल वीडियोस डालता रहता हूं इनसे रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर हमारी कौन सी होने वाली है। देखिए हम यहां पर मिनी कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हैं पनेसर G60, तो पनेसर G60 और प्लस ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेंगे हम महिंद्रा की, तो इसमें महिंद्रा का ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर जो है उससे कंपेयर करेंगे पनेसर G60 का। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो पनेसर G60 करके मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्लस एक आता है महिंद्रा का महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर करके कंबाइन ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर, तो उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की यहां पर हम बात करेंगे। तो सही कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की, तो इंजन जो पनेसर G60 के अंदर जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर है वो यूज किया गया है, वो अशोक लेलैंड का इंजन यूज किया गया है जो 2200 RPM पर 76 horsepower जनरेट करता है, और ये 4 सिलेंडर इंजन है जो ड्राई टाइप होता है और वाटर कूल्ड है। जबकि जो महिंद्रा का जो कंबाइन हार्वेस्टर है ट्रैक्टर माउंटेड, उस पर जो महिंद्रा ने यूज किया है ट्रैक्टर, वो महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DII करके ट्रैक्टर उसके अंदर यूज किया है अपनी हार्वेस्ट मास्टर के अंदर, जो लगभग 60 horsepower के करीब में पावर है उस इंजन की, और 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन है। तो हॉर्स पावर के मामले में तो देखिए ट्रैक्टर माउंटेड कम ही होता है, क्योंकि उसके अंदर 76 है, पनेसर G60 के अंदर 76 horsepower है और इसके अंदर आपको 60 ही देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं सीप्स की, तो जो छलनी होती है वो सीप्स इनके अंदर क्या किस किस साइज की दी हुई है। तो देखिए ऊपर जो है वो दो सीप्स हैं जिनका जो साइज है जो पनेसर G60 के अंदर वो 55 inch x 28 inch प्लस 20 inch x 28 inch का है, जबकि जो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर है उसके अंदर जो है महिंद्रा वाली के उसमें 47 inch x 27 inch प्लस 47 inch x 27 inch है। तो ये साइज तो कम है ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर का। अब नीचे की लोअर सीप्स की बात कर लेते
लेते हैं, ये तो ऊपर शीप्स की बात हो गई, अब लोअर शीप्स की बात कर लेते हैं। तो लोअर शीप्स जो है 55x28 इंच की जी पनेसर G60 के अंदर है, जबकि जो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर है वो 47x27 इंच की लोअर शीप भी है। तो शीप दोनों में ही कम है ऊपर नीचे ट्रैक्टर माउंटेड में। अब बात कर लेते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आया था थ्रेशर, तो थ्रेशर की बात कर लेते हैं, थ्रेशर की चौड़ाई कितनी है, उसका डायमीटर कितना है। तो देखिए थ्रेशर का जो चौड़ाई है पनेसर G60 की, जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो है 1410 mm की, जबकि जो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर है इसकी जो चौड़ाई है थ्रेशर की वो 1120 mm की है। तो मतलब थ्रेशर की चौड़ाई भी पनेसर G60 की ज्यादा है। अब डायमीटर की बात कर लेते हैं, पनेसर G60 का डायमीटर 530 mm का है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर का 592 mm का है। तो यहाँ पर डायमीटर फिर उसका ज्यादा हो रहा है ट्रैक्टर माउंटेड का। अब स्पीड की बात कर लेते हैं थ्रेशर की, तो वो जो पनेसर G60 की है वो 750 से लेकर के 1020 RPM की है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड की जो स्पीड है वो 600 से लेकर 800 RPM तक की है। तो स्पीड जो है थ्रेशर की वो पनेसर G60 की ज्यादा है। अब कटर बार की बात कर लेते हैं, देखिए कटर बार जो है वो पनेसर G60 का 8.5 फीट का कटर है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड जो महिंद्रा का है इसका जो कटर बार है वो 12 फीट का है। तो देखिए कटर बार ट्रैक्टर माउंटेड का ज्यादा होता है। अब कटिंग हाइट की बात कर लेते हैं, पनेसर G60 की जो कटिंग हाइट है वो 55 से 1250 mm की कटिंग हाइट है, मतलब मिनिमम 55 mm तक काट सकता है और मैक्सिमम 1250 mm तक काट सकता है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो मिनिमम 30 mm तक काट सकता है और मैक्सिमम 1000 mm तक काट सकता है। तो मतलब मिनिमम भी ट्रैक्टर माउंटेड की ज्यादा है और मैक्सिमम कम है, इसकी मिनिमम ज्यादा है तो मैक्सिमम भी ज्यादा है। अब नंबर ऑफ ब्लेड्स जो है वो पनेसर G60 के अंदर वो 37 है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड के अंदर 49 है। तो नंबर ऑफ ब्लेड्स जो है 49 वो 49 वो ट्रैक्टर माउंटेड के अंदर ज्यादा है। स्ट्रोक 75 mm का है पनेसर G60 का, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड का 80 mm का है, तो स्ट्रोक भी ज्यादा है ट्रैक्टर माउंटेड का। रील के जो चक्कर है वो 26 से 61 RPM है पनेसर G60 के, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड के जो RPM है रील के वो 30 से 37 RPM है। तो RPM के मामले में रील का जो RPM है वो ट्रैक्टर माउंटेड का कम है। अब रील का जो डायमीटर है वो 1064 mm का पनेसर G60 का है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड का जो डायमीटर है रील का वो 885 mm का है। तो डायमीटर जो रील का है वो भी पनेसर G60 का ज्यादा है। फीडर दोनों के अंदर सेम है, चैन टाइप का ही फीडर देखने को मिल जाता है। अब फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं, फ्यूल टैंक जो है पनेसर G60 के अंदर 110 लीटर का फ्यूल टैंक है, और ट्रैक्टर माउंटेड में अगर देखें तो देखिए वही टैंक रहता है जो ट्रैक्टर के अंदर होता है फ्यूल टैंक, तो वो ज्यादा से ज्यादा 55-60 लीटर का फ्यूल टैंक होता है, तो फ्यूल टैंक कम है ट्रैक्टर माउंटेड के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो पनेसर G60 का 465 mm का है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 422 mm का है, इसका मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी पनेसर G60 का ज्यादा है। अब ग्रेन टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, देखिए ग्रेन टैंक कैपेसिटी जो पनेसर G60 की है वो 900 से 1200 किलोग्राम तक की कैपेसिटी है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड की जो कैपेसिटी है ग्रेन टैंक की वो 750 से 1200 किलोग्राम तक की है। तो मतलब ग्रेन टैंक तो देखा जाए तो बराबर ही है, दोनों का लगभग सेम ही है। अब वेट की बात कर लेते हैं, वेट जो है पनेसर G60 के अंदर जो वेट है वो 4450 किलोग्राम है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड के अंदर जो वेट है वो 6750 किलोग्राम है। तो ट्रैक्टर माउंटेड के अंदर वेट ज्यादा है, क्योंकि वो बड़ा सिस्टम है उसके अंदर और ट्रैक्टर भी फिर ऊपर से रखा हुआ है, तो वेट उसके अंदर ज्यादा हो जाता है। अब ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, देखिए ट्रांसमिशन गियरबॉक्स की बात कर लेते हैं, तो पनेसर G60 के अंदर जो है वो 3 फॉरवर्ड गियर है, 1 रिवर्स गियर है और लो टू हाई उसमें लगता है, जबकि जो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर होती है उसके अंदर वही ट्रैक्टर की गियर्स होते हैं, जैसे 4 फॉरवर्ड गियर है, 1 रिवर्स है और लो हाई का सिस्टम है। अब बैटरी की बात कर लेते, बैटरी पनेसर G60 के अंदर एक बैटरी होती है 12 वोल्ट की, 120 AH की बैटरी इसमें यूज की गई है, जबकि ट्रैक्टर के अंदर जो है ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर वो ट्रैक्टर की ही बैटरी होती है 12 वोल्ट की, एक बैटरी उसमें भी लगाई हुई होती है। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं, देखिए लंबाई चौड़ाई की, तो देखो लंबाई जो है पनेसर G60 की लंबाई जो है वो 20 फीट के करीब में है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड की जो लंबाई है वो 22 फीट के करीब में है। तो उसकी जो लंबाई हो जाती है वो बड़ी मशीन के बराबर हो जाती है ट्रैक्टर माउंटेड की। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं, पनेसर G60 की चौड़ाई जो है वो 9.5 फीट के करीब में जो है चौड़ाई है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड की जो चौड़ाई है वो लगभग 8.5 फीट के करीब में आपको देखने को मिल जाती है। तो चौड़ाई ट्रैक्टर माउंटेड की कम है। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं, कि पनेसर G60 की ऊंचाई जो है वो 10 से 10.5 फीट के करीब में ऊंचाई है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड की जो ऊंचाई है वो लगभग 12.5 फीट के करीब हो जाती है। तो ऊंचाई ज्यादा है ट्रैक्टर माउंटेड की। अब टायर की बात कर लेते हैं, देखिए टायर जो
जो पनेसर G60 के अंदर है वो 16 और 28 के टायर यूज किए गए हैं, 750/16 के। तो ट्रैक्टर माउंटेड में भी वही ट्रैक्टर के टायर होते हैं जो 16 और 28 के और 750/16 के। जो महिंद्रा अर्जुन नोवा 605 में यही टायर यूज किए जाते हैं तो वही कंबाइन में लग जाते हैं। अब वर्किंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए वर्किंग कैपेसिटी पनेसर G60 की 1 से 1.5 एकड़ पर आवर की है, मतलब 1 घंटे में 1 से 1.5 एकड़ ये काट देती है पनेसर G60। तो अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर भी सेम ही कटिंग करती है, 1 से 1.5 एकड़ वो भी घंटे में काट देती है। तो बस फर्क क्या होता है कि ये जो है एक प्रॉपर मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर ही रहेगी। वो क्या है, ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर, उसे आप ट्रैक्टर भी बना सकते हो प्लस कंबाइन हार्वेस्टर भी बना सकते हो। तो उसमें दोनों फायदे हैं। और देखा जाए तो दोनों कटिंग कैपेसिटी दोनों की जब बराबर आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो 12 फीट के कटर बार में है, वो 8.5 फीट के कटर बार में है। तो कटर बार से दोनों में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन पावर के मामले में अगर देखा जाए तो पावर के मामले में पनेसर G60 ज्यादा है, ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर की पावर थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको कम खर्च में, जैसे आपके पास मान लीजिए महिंद्रा नोवो या महिंद्रा का कोई सा भी 50 हॉर्स पावर से ज्यादा का ट्रैक्टर आप यूज कर रहे हो तो आप फिर ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हो, कम खर्च में आपको वो अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है उसके प्राइस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं ट्रैक्टर माउंटेड से। लेकिन अगर आप नए ट्रैक्टर के साथ ही नया ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हो तब फिर मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है, क्योंकि फिर वो प्रॉपर कंबाइन हार्वेस्टर ही हो जाता है। और आपके पास पहले से ट्रैक्टर है तो फिर ट्रैक्टर माउंटेड ही लेना आपको बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।